नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर, SSC फुलब्रास में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन का एक टॉपिक्स लेंस सूत्र पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, लेंस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और लेंस सूत्र को स्थापित भी करेंगे, वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों से करेंगे। साथ साथ हम लोग आवर्धन का फॉर्मूला और आवर्धन के फॉर्मूला का निर्धारण भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते फ्रेंड्स क्लास पर। देखिए फ्रेंड्स, लेंस सूत्र, वह सूत्र जो लेंस की वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f के बीच संबंध बताता है, उसे लेंस सूत्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, लेंस सूत्र ये है, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f, इनके बीच का ये संबंध है जिसे हम लोग लेंस सूत्र कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, लेंस सूत्र का निर्धारण उत्तल दर्पण से करते हैं। माना कि L एक उत्तल लेंस है, ये फ्रेंड्स L है, ये उत्तल लेंस है जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और 2f डैश के बीच एक वस्तु ए भी इस प्रकार रखी गई है कि इसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। वो सेम फ्रेंड्स मिला दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या है यहाँ पर कि ये वस्तु ए बी है, ये एक उत्तल लेंस है जिसका नाम एल है, इसके 2f डैश से बाहर और अनंत के बीच, अनंत और 2f के बीच ए और बी एक वस्तु रखी हुई। चलिए पहली किरण दर्पण, वस्तु ए बी से चली पहली किरण लेंस के m बिंदु पर आपतित होती है और फोकस से होके गुजर जाती है तथा तो दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से निकलती है और फोकस से गुजरी MF रेखा को B बिंदु पर काटती है तो वह B डैश बनेगा। फ्रेंड्स A डैश B डैश को मिला दिया, ये 2f आ गया। तो फ्रेंड्स क्या है इस, ये आपका ये दर्पण बन गया, ये इमेज बन गया। तो यहाँ पर देखिए कि माना कि वस्तु की दूरी ओ ए यू है, प्रतिबिंब की दूरी ओ ए डैश वी है, फोकस दूरी ओ एफ एफ है तो दिखाए कि वन बाई यू, वन बाई वी माइनस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ। तो फ्रेंड्स यहाँ चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश समरूप है, चित्र से स्पष्ट है। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए डस ओ डस बी समरूप है। इसलिए इनकी भुजाएं समानुपाती होगी। अर्थात
ए बी ए डैश बी डैश ओ ए ओ ए डैश पुनः ओ एम एफ और त्रिभुज ए डैश बी एफ ए डैश बी डैश एफ समरूप इसलिए इनकी भुजाएं भी समानुपाती होगी। अर्थात ओ एम बटा ए डैस बी डैस ओ एफ ए डैस एफ ए बी ए डैस बी डैस ए डैस एफ ओ एम ए बी समीकरण एक और दूसरे ओ ए ओ ए डैश ए डैश एफ बराबर ओ एफ ओ ए डैश ओ एफ अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके इन सभी पदों का मान रखने पर माइनस यू बाई बी एफ वी माइनस एफ माइनस यू माइनस यू वी प्लस यू वी वी एफ दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर को साइड चेंज करेंगे फ्रेंड साइड चेंज करेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगी। साइड को बदलिए चिन्ह बदल दीजिए इसको इधर लाएं माइनस होगा ये इधर जाएगा ये इतना प्रूफ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये उत्तल दर्पण से प्रूफ हो गई। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग करते हैं अवतल दर्पण से प्रूफ।
अब तल दर्पण से प्रूफ के लिए चलते हैं आगे। ये तो उत्तल दर्पण से था फ्रेंड्स, आगे हम लोग अवतल दर्पण से करेंगे। तो फ्रेंड्स इस दर्पण सूत्र को आप सीखेंगे, इसे बार बार करेंगे, प्रयास करेंगे, आप सीख जाओगे फ्रेंड्स। कुछ हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। चलते फ्रेंड्स आगे। फ्रेंड्स ये रहा अवतल दर्पण से। यहाँ पर देखिए, माना कि एल एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर एक वस्तु ए बी इस प्रकार रखी गई है कि इसका काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनता है। माना कि वस्तु की दूरी ओ ए बराबर यू, प्रतिबिंब की दूरी ओ ए डैश बराबर वी तथा फोकस दूरी ओ एफ बराबर एफ। तो सिद्ध करना है हमें कि वन बाय वी माइनस वन बाय यू बराबर वन बाय एफ। तो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर कि वस्तु ए बी को टू एफ और एफ के बीच रखा गया जिसका प्रतिबिंब जो है प्रकाशीय केंद्र और एफ के बीच ए डैश बी डैश बना है। तो फ्रेंड्स आज ये यहाँ चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश समरूप है, समरूप है, इसलिए इनकी भुजाएं समानुपाती होगी। अर्थात ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर ओ ए बट्टा ओ ए डैश इक्वेशन वन। पुनः ओ एम एफ फ्रेंड्स ये हो जाएगा एम ओ एम एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप है। इसलिए इसकी भुजाएं समानुपाती होगी। अर्थात ओ एम बट्टा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बट्टा ए डैश एफ बराबर ए बी बट ए डैश बी डैश बराबर ओ ए डैश ओ एफ बटा ए डैश एफ डैश। ये हो गया था। समीकरण एक और दूसरे ओ ए बटा ओ ए डैश बराबर ओ एफ ए डैश एफ बराबर ओ एफ माइनस ओ ए डैश अब चिन्ह परी पार्टी का उपयोग करके
इन सभी पदों का मान रखने पर माइनस यू बाय माइनस वी बराबर एफ बाय माइनस एफ माइनस माइनस वी, ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर आएगा यू बाय वी बराबर माइनस एफ प्लस वी यू इंटू माइनस एफ प्लस वी बराबर ये माइनस यू एफ प्लस यू वी बराबर माइनस वी एफ, इधर आ जाएगा यूधर यू वी गया हो गया यू एफ माइनस वी एफ, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर बराबर यू वी एफ वन बाय एफ वन बाय वी माइनस वन बाय यू। इस प्रकार ये फ्रेंड्स प्रूफ हो गया ये दर्पण सूत्र। तो फ्रेंड्स उसमें तो कुछ नहीं है, फार्मूला देखिए खाली बैठाते गए गुना कर दिया आराम से आ गया, इसमें है कहाँ कुछ है, तो बड़ी इजी में आ गया। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो दो त्रिभुज समरूप है, ये ध्यान रखना होगा कि कौन दो त्रिभुज समरूप है और उनकी भुजाओं का अनुपात, अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजा का अनुपात क्या होगा, अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजा का अनुपात समान होगा, समानुपाती होगा। फ्रेंड्स हम लोगों का अगला टॉपिक है आवर्धन, जिसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। फ्रेंड्स हमने एक बार आवर्धन पढ़ चुके हैं दर्पण में, और यह आवर्धन है लेंस में। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के स्थान के अनुसार बदलता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है, इसे प्रायः स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। अतः आवर्धन एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो क्या फ्रेंड्स कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर H2O by H1 लिखा है। H1 हो गई बिंब की ऊंचाई, H2 हो गई प्रतिबिंब की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की दूरी V तथा तो वस्तु की दूरी U के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी भी तथा वस्तु की दूरी U के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन M बराबर V बाई U। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या है कि या तो आप वस्तु की दूरी मतलब प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात ज्ञात करिए, या फिर आप ये ज्ञात करिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई। तो चलते फ्रेंड्स इसके आवर्धन के फॉर्मूला पर को सिद्ध करते हैं हम उत्तल लेंस के द्वारा। फ्रेंड्स क्या है कि चित्र से ओ ए बी तथा ओ ए डैश बी डैश समरूप है, इसलिए इसकी भुजाओं का अनुपात
समानुपाती होगा, इसकी भुजाएं समानुपाती होगी, अर्थात ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और बट्टा ए बी अर्थात बिंब की ऊंचाई है बराबर ओ ई डैश जो प्रतिबिंब की दूरी है बट्टा ओ ए जो बिंब की दूरी है। इसी इक्वेशन वन मान लेते हैं। आगे है कि माना कि वस्तु की ऊंचाई ए बी बराबर एच वन, प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश बराबर एच टू, वस्तु की दूरी ओ ए बराबर यू, प्रतिबिंब की दूरी ओ ए डैश बराबर बी। चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए इन सभी मानों को समीकरण एक में रखने पर माइनस एच टू बटा एच वन बराबर। इधर की दूरी प्रतिबिंब की दूरी तो प्लस है परंतु वस्तु की दूरी माइनस। इस प्रकार एच टू बटा एच वन वी बाई यू इक्वेशन दो। परिभाषा से हम जानते हैं कि एम बराबर एच टू बाई एच वन इक्वेशन तीन समीकरण एक और दो से एम बराबर एच टू बट्टा एच वन बट्टा वी बाई यू ये आ गई। पुनः लेंस सूत्र से हम जानते हैं कि वन बाई वी माइनस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ। दोनों तरफ v से गुना करने पर v बाई वी माइनस वी बाई यू बराबर वी बाई एफ। योग्य वन माइनस वी बाई यू बराबर वी बाई एफ। यह आ जाएगा वी बाई यू बराबर इसको उधर ले जाए इसको उधर ले जाए वन माइनस वी बाई एफ। अतः एम बराबर वी बाई एफ यू बट बराबर वन माइनस वी बाई एफ। तो फ्रेंड्स ये दर्पण सूत्र से भी ज्ञात हो गई और ये डायरेक्ट भी ज्ञात हो गया। तो ये आवर्धन का सूत्र था और आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज जो हम लोगों का ये चैप्टर था पहला फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वह समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।